बॉलीवुड में कई सालों से कुछ स्टार्स हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे हैं और वो है शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार। कुछ दिन पहले सलमान खान ने भी अपने एक बयान में कहा था कि ये पांचों स्टार्स इतनी जल्दी रिटायर नहीं होने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसमें अगला सुपरस्टार बनने की काबिलियत हो, और इस बारे में ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने क्या कहा है आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले डायरेक्ट 7 न्यूज में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में तरण आदर्श ने अगले सुपरस्टार के बारे में बात करते हुए कहा, ये एक दिलचस्प दौर है जिसमें हम सभी सितारों के साथ हैं, चाहे वो आमिर खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या फिर साउथ के प्रभास ही क्यों ना हो। मुझे लगता है जून के बाद का साल काफी अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि कई युवा कलाकार आ रहे हैं, रणवीर कपूर एनिमल लेकर के आ रहे हैं, रणवीर सिंह रॉकी और रानी की प्रेम कहानी लेकर के आ रहे हैं, फिर सनी देओल भी गदर 2 के साथ अपनी एंट्री करने वाले हैं। क्या ही दिलचस्प फेज है सुपरस्टार के इतिहास के बारे में बात करते हुए तरण ने आगे कहा, कभी कभी मैं ऐसी खबरें पढ़ता हूँ जो ये दावा करती है कि सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, अजय देवगन के बाद कोई भी सुपरस्टार नहीं होगा, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। वक्त बदलता है और हमेशा बदलता है। हिंदी सिनेमा के सबसे पहले सुपरस्टार श्री अशोक कुमार थे। उन्होंने देविका रानी के साथ कई सारी सफल फिल्में की हैं और फिर किस्मत आई। ये 1943 की भारत की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। उसके बाद ऐसा लगा कि अशोक कुमार जितना बड़ा कोई स्टार हो ही नहीं सकता है। इसके बाद 3 बड़े नाम सामने आए, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। इन तीनों ने इंडस्ट्री पर राज किया और लंबे समय तक ऐसा किया। फिर सवाल उठा कि अगला सुपरस्टार कौन, और फिर राजेश खन्ना आए। लेकिन ये लंबा नहीं चला, इसकी वजह थी एंग्री यंग मैन जो अभी भी इंडस्ट्री में है, अमिताभ बच्चन। अमिताभ को लेकर के स्वर्गीय मनमोहन देसाई ने एक बात कही थी, ऐसा सुपरस्टार 70 सालों में एक बार आता है, लेकिन उनके बाद सलमान खान और शाहरुख खान की एंट्री हुई। आज भी शाहरुख खान वापस आ गए हैं, सलमान खान टाइगर 3 से अपनी वापसी कर रहे हैं। तरन ने आखिर में कहा, नई पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं, उनमें रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, कार्तिक आर्यन काफी अच्छा कर रहे हैं, और फिर कहीं से कोई नया स्टार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है और वो इन सबको पीछे छोड़ दे, क्योंकि ये वक्त है जो बदलता रहता है, इसलिए अपने स्टारडम को लेकर के इतना हल्का नहीं होना चाहिए और न ही समय को हल्का समझना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि इन पांचों सुपरस्टार्स के बाद कोई और सुपरस्टार आएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।